गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हमारा हिंदी व्याकरण में पार्ट 7 चल रहा है वचन। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले दिया है इन्होंने, निम्नलिखित वाक्यों में वचन को सही रूप में करके लिखिए। चिड़िया उड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर है पर बिंदी है, तो ये चिड़िया क्या है, ज़्यादा में है, तो हमने इसको सही करके लिखना है कि चिड़िया उड़ रही है। एक वचन में बनाएंगे। बच्चा खेल रहे हैं, इनको सही करके लिखना है, तो बच्चा खेल रहे हैं को हम बनाएंगे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ है गायें घास चर रही हैं। गायें, यहाँ पर गाय पे बिंदी है, तो ये बहुवचन में है हम, और बाकी क्या है, घास चर रही है, तो हम इसको एक वचन में ही बनाएंगे, गायें घास चर रही है। मोहन घर चले गए हैं। मोहन घर चला गया है। श्याम पुस्तकें पढ़ रहा है। श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। आगे है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान में एक होने का बोध कराने वाले शब्द एकवचन कहलाते हैं सही। वाक्यों में वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण से होती है सही। पदार्थवाचक संज्ञाएं प्राय बहुवचन में होती हैं गलत। हस्ताक्षर आंसू प्राण आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं सही। आदर प्रकट करने के लिए एकवचन क्रिया का प्रयोग होता है गलत। बहुवचन क्या प्रयोग होता है। आगे है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर शब्द लिखिए। अब इनमें वचन बदलने हैं चिड़िया चिड़ियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, यहाँ इन्होंने कुटिया दिया है तो कुटिया, लता लताएँ, बहने का बहन, संतान संताने, पुस्तके पुस्तक, आँख आँखें, आँख के ऊपर चांद बिंदी भी आएगी और पीछे बिंदी भी आएगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे। अपनी कक्षा की सभी वस्तुओं की एक सूची एक वचन एवं बहुवचन के अनुसार बनाइए। एक वचन, हमारी अब कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, कुर्सी मेज पंखा पुस्तक होता है ना, तो हम लिखेंगे एक वचन में कुर्सी, कुर्सी का बनेगा कुर्सियाँ, मेज, मेज का मेज, पंखा पंखे, पुस्तक पुस्तकें, यहाँ पर मेज का बनेगा मेज़ें। ठीक है, आगे है दिए गए टोकरी में से एक वचन और बहुवचन शब्दों को चुनकर अलग अलग लिखिए। यहाँ पर देखिए ये दिया है, अब खिलौना, खिलौना क्या है, एक वचन, केले बहुवचन, आम एक वचन, किताबें बहुवचन, बल्ले बहुवचन, पत्ता एक वचन, गेंद एक वचन, तो यहाँ लिखेंगे आम पत्ता गेंद और खिलौना एक वचन में, केले बल्ले किताबें बहुवचन में। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज को ध्यान से फिल करना है और आपको ये लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।